the three main parts of a typical cell are plasma membrane, nucleus and cytoplasm. ठीक है, ये three parts है. Now we will discuss the three parts of the plasma membrane, nucleus and cytoplasm. First, plasma membrane. Each cell is bound by a thin, delicate and elastic living membrane. That is called plasma membrane. सभी सेल जो है एक थिन लेयर से कवर रहता है. इस कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि डेलिकेट होता है, इलास्टिक होता है. इट इज अबाउट 10,000 ऑफ ए मिलीमीटर इन थिकनेस. इसका थिकनेस जो होता है 1 मिलीमीटर का 10,000 पार्ट के बराबर. कितना थिन हो सकता है, यू कांट इमेजिन इट. इट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. सेलेक्टिवली परमेबल मीन्स क्या हुआ, इट सेलेक्टिवली अलाउ द एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द सेल. सेलेक्टेड सब्सटेंस को ये अलाउ करता है सेल में इंटर करने का. It is made up of lipids and proteins. ये lipid और protein से मिल करके बना होता है. ये first kind हो गया plasma membrane. Second is and main function plasma membrane. और इसका जो है दो parts और है, nucleus and cytoplasm. तो plasma membrane का पार्ट्स का डिस्कशन और इसका फंक्शन, क्या क्या फंक्शन है. इट प्रोवाइड ए डेफिनेट शेप टू द सेल. ये सेल को एक डेफिनेट सेल प्रोवाइड कर, शेप प्रोवाइड करता है, रिजिड शेप जिसको बोलते हैं. इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल. ये सेल का जो इंटरनल पार्ट्स है उसको बाहरी एलिमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ये कवरिंग का लेयर जो है ये आउटर एलिमेंट से इसका प्रोटेक्शन करता है. इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस. और जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस है उसका एंट्री ये अलाउ करता है, और जो सब्सटेंस को एग्जिट करना है उसके लिए अलाउ करता है रिक्वायर्ड को. इन प्लांट सेल देयर इज अनदर प्रोटेक्शन लेयर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होता है, प्रोटेक्शन लेयर होता है. इट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, जिसको कि सेल वॉल कहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा कहता है इसके आउटर साइड में एक और जो है प्रोटेक्शन लेयर होता है, जिसको सेल वॉल कहते हैं. विच इज रिजिड फुल्ली परमेबल. रिजिड होता है, फुल्ली परमेबल होता है, सेलुलोज कंटेनिंग नॉन लिविंग लेयर. नॉन लिविंग लेयर सेलुलोज से बना, सेलुलोज से बना हुआ नॉन लिविंग लेयर होता है. द अनदर फंक्शन, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का क्या क्या फंक्शन है यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहां पर सेल वॉल का क्या क्या फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, जो एक रिजिड शेप प्रोवाइड करता है, फुल्ली परमेबल होता है. तो सेल वॉल, इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल. ये प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है. इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल.
ये सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ये प्रोटेक्ट करता है। इट हेल्प्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के इन और आउट वेरियस पार्ट्स में सेल के अंदर में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको जो है ये ट्रांसपोर्ट को जो है प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन। इट प्रिवेंट ड्राइंग अप ऑफ सेल्स, सेल का ड्राइंग होना, सेल का सूखना, इसको ये बचाता है, इसको होने से ये रोकता है। ठीक है, तो दीज आर फंक्शन ऑफ सेल वाल, ये सभी सेल वाल का फंक्शन। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, सेंटर जिसको कहते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ सेल, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियस। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सेल इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, कहता है कि ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल का जितना भी कंपोनेंट होता है इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसमें शामिल है, ये सभी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है जॉइंटली। इट कंटेन्स ए मेजर कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, और ये सारा जो है एक कंट्रोल होता है, एक पार्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये पूरा का प्रोटोप्लाज्म जो है एक पार्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जिसको कि न्यूक्लियस कहते हैं, सबका कंट्रोलिंग उसी में रहता है। द लिक्विड मीडियम अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लिक्विड का स्ट्रक्चर होता है चारों तरफ में, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यूजुअली न्यूक्लियस इज स्फेरिकल और ओवल इन शेप, न्यूक्लियर जो है वो ओवल शेप का होता है या स्फेरिकल शेप का हो सकता है, एंड इज मच डेंसर देन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से ज्यादा डेंसर होता है, डेंस ज्यादा होता है। द यूजुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 5 to 25 micrometer, ये जो है 5 to 25 micrometer के बराबर। इट इज बाउंडेड बाय 2 unit membranes फॉर्मिंग न्यूक्लियस इनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये चारों तरफ जो है जो कवरिंग रहता है, बाउंडेड रहता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवरिंग रहता है चारों तरफ से, जिसको इनवेलप कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके द्वारा ये कवर रहता है। ए नंबर ऑफ पोर्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स, और न्यूक्लियर मेंबर में बहुत सारा पोर्स रहता है, स्मॉल होल्स के जैसा पोर्स रहता है, इसको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है, जो थिंग्स को एब्जॉर्ब करता है। इनसाइड न्यूक्लियर मेंब्रेन ए कलरलेस डेंस शेप इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, कहता है न्यूक्लियर इनसाइड न्यूक्लियर मेंब्रेन, न्यूक्लियर मेंबर के इनसाइड में एक कलरलेस डेंस शेप प्रेजेंट रहता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स 2 types ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म में 2 प्रकार का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पाया जाता है, 2 प्रकार का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है, पहला होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, और दूसरा क्रोमेटिन, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन, 2 प्रकार का इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। कहता है न्यूक्लियोलस जो होता है इट इज हाईली डेंस, ये बहुत ज्यादा डेंस होता है, थिक होता है, एंड राउंडेड ऑर्गेनल इनसाइड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में राउंड में रहता है, राउंडेड रहता है शेप में। इट इज एक्चुअली ए मास ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स,
कहता है जीन का जो है ये कॉपीज होता है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स, जीन जिसके द्वारा ट्रांसफर होता है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, पेरेंट के प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है चाइल्ड में, एंड एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करता है, इट वर्क एज ए प्रोटीन सिंथेसिस। एंड नेक्स्ट इज क्रोमेटीन। क्रोमेटीन का क्या फंक्शन है यहाँ पर, द इनसाइड न्यूक्लियस द मास ऑफ थ्रेड लाइक टेंगल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के इनसाइड में थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इज कॉल्ड क्रोमेटीन, ये क्रोमेटीन कहलाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्रोमोजोम्स, ये क्रोमोजोम से मिलकर के बना होता है, विच आर हैविंग जेनेटिक मटेरियल, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको डीएनए कहते हैं, है ना, डीएनए डायक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें पेरेंट का गुण जो होता है, पेरेंट का जो प्रॉपर्टी होता है, फादर मदर का प्रॉपर्टी चाइल्ड में जो ट्रांसफर होता है जीन, एंड प्रोटीन, ये जो है कहता है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ क्रोमोजोम्स एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या क्या फंक्शन होता है, द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस आर, न्यूक्लियस का यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, कहता है मेनी वाइटल रोल्स आर परफॉर्म एज वेल एज कंट्रोल बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है बहुत प्रकार का वर्क को कंट्रोल करता है, और इसी के द्वारा वर्क जो है कंप्लीट किया जाता है, इसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सो इट इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, इसीलिए न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल सेल कहलाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है न्यूक्लियस। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल के अंदर में जितना भी एक्टिविटी होता है उसको ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट हैज ए डायरेक्ट रोल इन सेक्सुअल एज वेल एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसका मेन रोल होता है। फोर्थ, क्रोमोजोम्स कंटेन जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। क्रोमोजोम में क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी पाया जाता है, जीन्स पाया जाता है, हेरिडेटरी कैरेक्टर्स जो कि फादर मदर का कैरेक्टर्स चाइल्ड में ट्रांसफर होता है, ये क्रोमोजोम में पाया जाता है जीन्स। न्यूक्लियस टेक पार्ट इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। एक सेल जो है एक से दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो दो से चार पार्ट में डिवाइड होता है, इस प्रकार से सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। एंड नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, द थर्ड पार्ट ऑफ प्लांट सेल, जिसको कि कहते हैं साइटोप्लाज्म। द लिक्विड मीडियम ऑफ सेल अराउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लिक्विड मीडियम होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ में जो लिक्विड मीडियम होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज विस्कस ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मीडियम है, होमोजीनियस एंड कोलाइडल लिक्विड, कोलाइडल लिक्विड थिक लिक्विड है, होमोजीनियस सब्सटेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां पर कहता है इट कॉन्टेन्स द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स, ये क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स इसमें रहता है साइटोप्लाज्म,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी डायग्राम में भी तुम्हें दिया हुआ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस कहा जाता है सेल का, लाइजोजोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, पेरोक्सीजोम्स, ये सारा जो है इसका ऑर्गेनल्स है जो कि इसमें पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो ये सारे को जो है डायग्राम इसका तुम लोग को बुक में दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल सेल, ठीक है, टाइपिकल सेल का एग्जांपल ये डायग्राम के साथ में इसको डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब इसका जो है यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिया हुआ है, फंक्शंस दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, जो जो यहाँ पर अभी हम लोग साइटोप्लाज्म में देखे कि क्या क्या जो है स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल एनिमल सेल और इसका क्या क्या फंक्शंस है, अलग अलग नाम दिया हुआ है उसका, क्या क्या फंक्शन है, इसको हम लोग देखते हैं फंक्शन को। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, कहता है इट इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स, लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड सीड का। इट्स मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन स्ट्रक्चर, कहता है इसका जो होता है ये मेम्ब्रेन सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स का होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का क्या फंक्शन है, कहता है अंडर माइक्रोस्कोप दीज ट्यूब्स अपीयर रफ, माइक्रोस्कोप से देखने से ये रफ दिखाई पड़ता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम पार्टिकल ऑन देयर आउटर सर्फेस, इसके आउटर सरफेस पर कुछ पार्टिकल्स पाया जाता है जिसके कारण ये रफ होता है स्ट्रक्चर। दीज पार्टिकल आर कॉल्ड राइबोसोम्स, और इस पर जो पार्टिकल्स होता है उसको राइबोसोम कहते हैं, और राइबोसोम जो है इसका क्या है फंक्शन, कहता है राइबोसोम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल राउंड बॉडीज प्रेजेंट आइदर इन फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्री भी है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी पाया जाता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, और फंक्शन क्या है, राइबोसोम इज द मेन साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का सिंथेसिस में हेल्प करता है फ्रॉम एमिनो एसिड्स, सिंथेसाइज प्रोटीन्स आर सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस इन द सेल, और जो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है फिर सिंथेसाइज प्रोटीन को सेल के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER इसको कहते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप दे अपीयर स्मूथ ट्यूब्स, स्मूथ ट्यूब्स की तरह दिखाई पड़ता है। दे मैन्युफैक्चर फैट फॉर और लिपिड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड बाय द सेल, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है फैट का लिपिड का सेल के लिए। सम प्रोटीन एंड लिपिड्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसमें कि कुछ प्रोटीन का यूज किया जाता है, लिपिड का यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, सेल मेम्ब्रेन का कंस्ट्रक्शन में, सेल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। सम प्रोटीन एंड लिपिड एक्ट एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स के रूप में यूज किया जाता है प्रोटीन का लिपिड का। सो द मेन फंक्शन ऑफ ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू प्रोवाइड चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स,
मटेरियल्स के लिए जो है वो चैनल प्रोवाइड करता है, ठीक है, चैनल के लिए चैनल प्रोवाइड करता है जिससे कि मटेरियल का सप्लाई किया जाता है। एंड बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का जो है ये चैनल प्रोवाइड